तीन राज्यों में मुख्यमंत्री बने, अरे अपनी पार्टी में कोई महिला नहीं मिली होंगी, अंजना जी को बना देते। आपको ये सुप्रिया श्रीनेत को बना देते आप? नहीं नहीं, हमारी तो इतनी महिला कैसे बनाते हैं? जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला है, बड़े किस्मत वाले हैं। आपको लेना चाहिए कि आप राहुल राहुल करते हैं, राहुल जी जिता नहीं पाए। कांग्रेस हारी, आप ये बात कर रही है, अरे लोकतंत्र हार रहा है, उसकी चिंता आपको क्यों नहीं है? अकेला अनाथ विपक्ष लड़ रहा है और हमें गर्व है कि हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। कर्नाटक आप जीतते हैं तब लोकतंत्र की हार नहीं होती है, आप हिमाचल जीतते हैं तो लोकतंत्र की हार नहीं होती। कटा के शहीद मत बनिए बेवजह की। कर्नाटक आप जीतते हैं, यहाँ पर आकर सोच रहे हैं कि 4-5 बार वोट ले लूंगा। अगर आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, आज की वीडियो में अंजना ओम कश्यप तीन राज्यों की हार के बारे में पवन खेरा को जैसे ही सवाल पूछते हैं तो उन्हें ऐसी मिर्ची लगी तो वह पूरी मीडिया पे ही और अंजना कश्यप पे भड़क लगे, लेकिन अंजना ओम कश्यप ने उन्हें बहुत ही तरह से धोया। आज की वीडियो बहुत ही फनी होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिबेट को। तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, इन तीन राज्यों में अब आपकी सरकार बची है, बीजेपी की 12 राज्यों में हो गई है। ये क्या इशारा करता है? वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से बीजेपी आपको लगता है छत्तीसगढ़, राजस्थान, MP जीत गई? अंजना जी, ये बात सही है कि जो नतीजे थे वो हमारी आशानुसार नहीं आए, न आपकी आशानुसार एग्जिट पोल्स सही रहे, न हमारी आशानुसार नतीजे सही रहे। आपको और हमें दोनों को आत्ममंथन करना चाहिए, लेकिन इसके साथ में एक लाइन और बोलना चाहूँगा। जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला है, बड़े किस्मत वाले हैं, कसम से कह रहा हूँ, इतनी अच्छी किस्मत लेकर ये प्रधानमंत्री आए हैं। ऐसा मीडिया आप हमें 1 महीने के लिए दे दीजिए और 7 दिन के लिए ऐसी एजेंसीज दे दीजिए, ED, CBI, इनकम टैक्स, CAG, 7 दिन के लिए एजेंसीज और 1 महीने के लिए आज तक, तो यही मांग रहे हैं आपसे। अच्छा, मतलब चुनाव आपको लड़ना है, चुनाव आप हारे और सारा का सारा दोष आपको अभी भी लगता है कि मीडिया, एक सेकंड, अब सवाल नहीं पूरा होने देंगे, कि सारा का सारा दोष आप मीडिया पे मर दें, आप मर दें कि एजेंसीज की वजह से हुआ। अरे एजेंसीज की कार्रवाई तो इलेक्शन वोटिंग के जस्ट पहले छत्तीसगढ़ में हुई। पहली बात, फिर भी जनता ने, कि मैं आपको दोष नहीं दे रहा, मैं तो श्रेय दे रहा हूँ। नहीं नहीं, आप गलत कर रहे हैं, आप श्रेय लीजिए। क्यों ले श्रेय? आपको लपक के श्रेय ले लेना चाहिए। नहीं, आपको लेना चाहिए कि आप राहुल राहुल करते हैं, लेकिन राहुल जी जिता नहीं पाते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? पहले 2014 तक क्या होता था, पार्टियां चुनाव लड़ती थी, मीडिया निष्पक्ष एक भूमिका निभाता था। 2014 के बाद एक इकोसिस्टम चुनाव लड़ते, एक तरफ अकेली विपक्ष, दूसरी तरफ मीडिया, एजेंसीज, सोशल मीडिया, पॉलिटिकल पार्टी। अब आप देखिए कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या ये? तो ये कह देना, तो मैं तो आपको सिर्फ श्रेय दे रहा हूं, आप इसमें श्रेय लीजिए, कोई गलत बात नहीं है इसमें। धूल चेहरे पर थी, आईना पोछता रहा, यही आपकी बीमारी है। अरे साहब, यही आपकी बीमारी है, धूल चेहरे पर थी, आईना पोछता रहा। कांग्रेस हारी, आप ये बात कर रही है, अरे लोकतंत्र हार रहा है, उसकी चिंता आपको क्यों नहीं है? ये जो चुनाव के नतीजे आते हैं, इसमें तो चलिए एक पार्टी हारती है, एक जीत जाती है, आपका एग्जिट पोल हार जाता है, आप जीत जाते हैं, चलता है ये सब। लेकिन जो बड़ी हार हो रही है वो लोकतंत्र की हो रही है, उस पर आपका ध्यान क्यों नहीं है? कैसे चुनाव आयोग बनेगा, आपने देखा कल पार्लियामेंट में? क्या इस तरीके से चुनाव आयुक्त बनाए जाएंगे? अगर ये कांग्रेस सरकार के दौरान होता तो आज नेशन विद अन्ना करके अंजना ओम कश्यप सुबह से रात तक चैनल पे चलाती और सड़क पर अन्ना हजारे आ जाते। क्यों नहीं आते अन्ना हजारे? क्यों नहीं चलाती अंजना ओम कश्यप, बताइए मुझे जरा। ये स्थिति है आज इस देश की, इससे आप कब तक बच सकते हैं? अकेला अनाथ विपक्ष लड़ रहा है और हमें गर्व है कि हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, मरने के दम तक लड़ते रहेंगे, हारे या जीते लड़ेंगे। नाखून कटा के शहीद मत बनिए बेवजह की। कर्नाटक आप जीतते हैं, कर्नाटक जीतते हैं तो हम लोग आप ही का गुणगान गाते हैं, लेकिन कर्नाटक आप जीतते हैं तब लोकतंत्र की हार नहीं होती है, आप हिमाचल जीतते हैं तो लोकतंत्र की हार नहीं होती है, वहां आपको ईवीएम नहीं जिताता है, लेकिन अन्य राज्यों में जरा कन्हैया जी नहीं, आपने ऐसी टिप्पणी की, जब हम कर्नाटक जीतते हैं भाजपा कर्नाटक हारती है तो किसकी हार होती है? नहीं साहब, तब मोदी जी की हार नहीं होती, तब अंजना जी के मुंह पर ऐसे शिकन्ने आ जाती है जब उनको कहते हैं मोदी जी हार गए। नहीं साहब, मोदी जी नहीं हारे, पवन जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री हारे हैं। पवन जी, एक सेकंड, नहीं, अब आपको सुनना होगा, क्योंकि आप ये नहीं, ये स्टेज आप हाईजैक नहीं कर सकते, आई एम सॉरी, नहीं आप हाईजैक कर रहे हैं, आप हाईजैक कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी, की शाम को कहते हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ी, हार जाती है, लोकसभा में कोई असर नहीं पड़ेगा, जब असली रिजल्ट आता है तो कहते हैं साहब आज अच्छा हुआ, लगता है पवन जी को बाकी चैनलों पर मौका मिल नहीं रहा है।
तभी माइक नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ पे, अच्छी बात है। लेकिन पवन जी अपनी आवाज इतनी मजबूत करिए कि जनता आपकी बातों को समझे, उसके बाद स्वीकारे भी। खाली यहाँ पर आकर सोच रहे हैं कि 4-5 बैट बॉल खेल लूंगा। अगर मीडिया आज से 2 महीने पहले आपने कितने कार्यक्रम किए, महिला आरक्षण, प्रधानमंत्री तो सबसे महान मसीहा है महिलाओं के, 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बने, अरे अपनी पार्टी में कोई महिला नहीं मिली होंगी, अंजना जी को ही बना देते। वसुंधरा राजे का में क्या कमी थी, उन्हें नहीं बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने तो 3 राज्यों में महिला मुख्यमंत्री दिए हैं। नहीं हमारी तो अभी जीते ही नहीं, आप ही कह रहे हैं। आप कोई नहीं, सुप्रिया श्रीनेत को बना देते आप। नहीं नहीं हमारी तो इतनी महिला कैसे बनाते बताइए, हार रहे फिर भी बना लेते, अभी नहीं हुआ वक्त आएगा। अगर मोदी जी ऐसे ही चलते रहे तो वो वक्त भी आएगा कि भाजपा हार जाए फिर भी मुख्यमंत्री बना देगी, अभी वो वक्त नहीं आया। ये वाली कॉमेडी सही बैठी नहीं।